नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार सिंह संत जोसेफ स्कूल इटाढ़ी। कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 5.1 का पांचवा सवाल, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी प्रश्नावली का सवाल नंबर 6, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 6 आपकी किताब में कह रहा है कि संलग्न चित्र में, देखिए हमारा चित्र यहाँ है, ठीक है, ये हमारा चित्र है। कह रहा है कि संलग्न चित्र में कोण ए ओ बी तथा कोण बी ओ सी, कोण ए ओ बी तथा कोण बी ओ सी, ठीक है, ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण के बारे में कह रहे हैं एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। ये दोनों कोण क्या कर रहे हैं? एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, ठीक है। यदि ए ओ बी, देखिए यदि ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री कोण आप लोग इंच से बना लीजिएगा, ठीक है। ये जो है प्रकार और इंच से आप लोग कोण 60 डिग्री का बनाइएगा। कह रहा है कोण ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है, तब बी ओ सी ये कितने डिग्री का होगा, ठीक है। जब ये 60 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का होगा? देखिए हम ऐसे निकालेंगे, आप किताब में दिया है कि कोण ए ओ बी प्लस, ठीक है, ये फिर क्या है, कोण बी ओ सी इजकल टू 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री? क्योंकि त्रिभुज, जब ये त्रिभुज बनेगा ना, ये त्रिभुज बन जाएगा, या इसको हटा देंगे तो ये त्रिभुज बन जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री। तो यहाँ से या कोण ए ओ बी प्लस, देखिए कोण बी ओ सी, बी ओ सी, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसको या करके, ठीक है। ए ओ बी, ए ओ बी का मान कितना दिया है? ए ओ बी दिया है आपका 60 डिग्री, ए ओ बी दिया है 60 डिग्री, इसको जगह हम 60 डिग्री रख सकते हैं, प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि हम इसका मान निकालना है। देखिए इसको इधर ले जाएंगे, या कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, ये 60 है प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, या कोण बी ओ सी बराबर 180 में से 60 घटेगा तो कितना बचेगा, 120 डिग्री। इसलिए कोण बी ओ सी इजकल टू 120 डिग्री, यानी कि यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। ये आपका आंसर ऐसे बना लीजिएगा, क्योंकि त्रिभुज है तो ये 180 डिग्री होता है, हम पढ़े हैं, हम जानते भी हैं, तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 6, ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए। अब हम सवाल नंबर 7 बना रहे हैं, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 कह रहा है, देखिए इसमें भी एक फिगर दिया हुआ है, देखिए हम यहाँ फिगर बना दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको इंच से बनाइएगा। यहाँ दिया है बी, यहाँ दिया है सी, ए और डी, ठीक है, और ये हमारा ओ है यहाँ पे, और यहाँ 120 डिग्री का कोण बनाया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में कोण ए ओ सी इजकल टू 120 डिग्री दिया है, ठीक है, तब पूछा है, तब कोण बी ओ सी, कोण बी ओ डी, ठीक है, तथा ये डी है, तथा कोण ए ओ डी का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करे, ठीक है, ज्ञात करे। देखिए हम बता दे रहे हैं, ये दिया 120, तो ये भी 120 हो जाएगा, शीर्षा थी मुख कोण के कारण। देखिए इसकी भुजा, इसकी भुजा समय समय है ना, तो ये जो जब 120 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 120 ही होगा, यानी कि बी ओ डी, यहाँ निकालना है बी ओ डी का मान कितना जाएगा, 120 डिग्री। ये हम डायरेक्ट में निकाल सकते हैं, क्योंकि शीर्षा विमुख कोण में होता है ये भुजा, ये भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और ये भुजा और ये भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो इतना इसका जितना मान आएगा उसका उतना मान इसका भी आएगा, ठीक है। तो 120 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। देखिए हम कैसे निकालते हैं, आन लेते हैं हल या सॉल्व। देखिए सबसे पहले कोण, ठीक है, देखिए किताब में दिया है कोण ए ओ सी प्लस कोण
बी ओ सी इजकल टू 180 डिग्री, क्योंकि इसको मिला देंगे तो हमारा त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, ये माना पर दिया है कितना 120 डिग्री, इसको हम रख देंगे 120 डिग्री प्लस कोण बी ओ सी इजकल टू कितना 180 डिग्री, या ऐसे हम लेते जाएंगे क्योंकि बीच में बराबर है, इधर हम या लिखते हैं, कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस से प्लस क्या हो जाएगा माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री, 180 में से 20 घटाएंगे तो 60 डिग्री। देखिए बी है, ये हमारा ओ है, ये हमारा सी है, ये बी है, ओ है, सी है, इसका मान कितना गया 60 डिग्री। ठीक है, जब ये 60 डिग्री हो जाएगा तो ये भी कितना जाएगा 60 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि बी ओ डी ए ओ डी ए ओ डी यानी कि ए ओ डी भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि इसका मान ये हो जाएगा, बी ओ सी का मान इतना हो जाएगा और ये हमारा दिया है। देखिए ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ आप लोग दर्शा भी सकते हो कैसे हो रहा है, तो शीर्षा विमुख कोण का, क्योंकि जब ये 60 आ जाएगा तो ये भी 60 होगा, तो इसका मान 60 आया, यहाँ से जब ये 60 हो गया तो हमारा ये भी 60 हो गया, यानी कि बी ओ सी 60 डिग्री तो ए ओ डी भी क्या होगा 60 डिग्री ही होगा। देखिए ये मान और ये मान क्या है बराबर है, इसका आंसर हो जाएगा कि बी ओ डी ए ओ डी एंड बी ओ सी, तो बी ओ सी का मान हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ लिख सकते हैं आंसर में बी ओ सी बराबर 60 डिग्री, फिर कह रहा है ए ओ डी ए ओ डी बराबर भी 60 डिग्री, फिर कह रहा है बी ओ डी कितना जाएगा बी ओ डी बी ओ डी बताइए बी ओ डी कितना जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 है, बी ओ डी का मान आएगा 120, ये आपका आंसर, ये आप इसको लिख सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो फिर आप लोग कमेंट करिएगा, हम अगले वीडियो में फिर से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।